हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये शाम का टाइम है और ये अपना कुछ काम करने के लिए आए थे। जब सीढ़ी लेकर के आए तो मैंने कहा मेरा भी थोड़ा सा काम कर दो, क्योंकि एक बेल विंडो के पास चढ़ गई थी और बहुत बड़ी दिख रही थी। तो उसको मैंने निकाला तो बहुत लंबी सी निकली, तो मैंने कहा थोड़ा सा दो तीन जगह बांध दो। तो मैंने कहा जो प्लास्टिक की तार होती है ना, उससे हमने उसको दो लाइन बांधा और ऊपर चढ़ा दिया। और वही है ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो रात को तो मैंने, शाम के टाइम तो मैंने कल इसको कर लिया और देखने में थोड़ी सी ठीक लग रही थी, पर बेल थोड़ी सी उल्टी पुल्टी सी थी तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो सुबह में तो मैंने निकाल दिया और निकाल करके उसको नीचे लगाया है। मैं दिखाऊंगी बाद में आपको। और ये बेलें बहुत ज़्यादा हो गई तो मैंने एक्स्ट्रा वाली थोड़ी सी निकाल दी। मैं सिंगल लाइन ही रहने दूंगी, ज़्यादा नहीं। गुत्थम गुत्थम सा था ना तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने से। तो बहुत सी बेलें मैंने निकालने के बाद में सिंगल सिंगल बांध दिया। और ये पाइप था तो मैंने कहा मैं ये बेल से पाइप को ढक दूंगी। तो जितनी बेलें एक्स्ट्रा दी उसी में मैंने धीरे से उसको बांध दिया। तो बांधने के बाद अच्छा लग रहा था। और ये कैसे ना, बहुत दिन से इसमें काम नहीं किया था तो बहुत सा गुच्छा सा दिख रहा था। तो मैंने कहा तो झूमर जैसा लग रहा है, इसको मैं ऐसे बांध देती हूँ साइड में। तो मैंने वो उसको उधर बंधवा दिया। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैं निकाल के किसी पॉट में डाल करके हैंगिंग बास्केट वाले में बना के डाल दूँगी। और बस काम चालू है, लास्ट में देखते हैं कैसा होता है। कुछ इस तरह से हमारी बेल बनी थी, जो उस समय तो ठीक लग रही थी, बाद में मैंने बोला नहीं। अब देखिए नई वाली बेलें जो पत्ते निकलते कितने अच्छे लग रहे हैं। और हमारी वैसे भी अफ्रिंगर बेल के कुछ गंदे हो रहे हैं, मैंने उनको कल साफ़ करूँगी। क्योंकि ऊपर जब नई बेलें निकली थी ना तो जो अंदर थे उनमें धूल मिट्टी हो चुकी थी, तो थोड़े से गंदे थे। और ये देखिए मेरी बेल बहुत लंबी है, ये मैंने सोचा भी नहीं था कितनी लंबी बेल हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नीचे ये तार जो बंधा हुआ है ना, ये पिछले साल का है। इसमें मैंने मोनरी ग्लोए की बेल चढ़ाई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। दो कलर की थी, एक इधर से चढ़ाया था क्यारी से और एक इस साइड में एक पॉट में लगा करके रखा था मैंने। तो ये रस्सी पिछले साल की ही है, इसमें एक प्लास्टिक की है और एक तार की है। तो मैंने इसमें ही बेलो चढ़ाई थी। तो इस साल मैं ये वाली बेल बांध रही हूँ, देखती हूँ बांधने बाद कैसा लगता है। आप भी अंत तक हमारा वीडियो देखिए, कैसा लगेगा आप भी बताइए। वो थोड़ा दिखता तो जल्दी है पर काम में सब करने में टाइम लगता है। मैंने बांधा था फिर थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा, मैंने दोबारा से भी सही किया। तो बेल बांधने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा था पर वीडियो में इतना अच्छा नहीं आया है। मैं दिखाऊंगी आपको। और इसमें से फिर जो और बेलें निकलेंगी ना, जो साइड साइड से फूटेंगे ना, तो उनको मैं कोशिश करूंगी तार के सीधे सीधे सारे चढ़ा दूँ, नहीं तो फिर और मैं कील बांध करके तार बांध दूँगी तो उसी के सारे चढ़ जाएंगी बाकी बेलें। ये देखिए मैंने एंड तक पिछले साल का मोनरी ग्लोए की बेल का रस्सी है, इस साल इसमें काम आ गई। और ये बहुत हार्डी प्लांट है, अगर लग जाएगा ऐसे रहेगा ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस ये है कि टाइम टाइम पर बेल के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं इसमें नई रस्सी और बांध दूँगी एक अलग, थोड़ी दूर पे तो मैं उस पर चढ़ा दूँगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल अभी तो मैं उसको बेल देख कर मुझे यही आइडिया आया कि मैं इसको ऐसे बना देती हूँ तोरण जैसा, शायद अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप भी बताइए, काम तो कर रही हूँ। और ये देखिए, और ये तो झूमर जैसा लग रहा है देख करके मेरा ऊपर में। और ये उसी की बेलें गई हुई हैं उसी प्लांट। और ये जो बेल दिखा रही हूँ ना मैं, यही बेल से पूरी लंबी सी, बहुत लंबी सी बेल बनी है, जिसको ही मैंने अभी तोरण जैसा बनाया है। और इसी में ऊपर वो जो गया वो गुच्छा जैसा इसी का ही है। तो इसको तो मैं देखो शायद कल निकाल दूंगी जहाँ तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर ऐसे अच्छा बहुत लग रहा है देखने में। आई होप हमारा, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये देखिए दिखा रही हूँ, लगाने के बाद तो अच्छा लग रहा है बहुत। अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल देखने के बाद, बनने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी, ऐसे देखिए थोड़ा सा।